दोस्तों इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं प्रकाशी की यानी कि ऑप्टिक्स के बारे में, जहां पर अपन देखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर अपन समझते हैं ध्यान से प्रकाशी की क्या होती है। तो देखिए प्रकाशी की जो होती है उसमें क्या होता है, प्रकाश के काम से जो भी क्रिया होती है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर समझिए प्रकाशी की होती है उसको अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में डिवाइड करते हैं, दो भागों में। एक तो हो जाता है अपन का किरण प्रकाशिकी। क्या हो जाता है, किरण प्रकाशिकी। और दूसरा हो जाता है प्रकाश की प्रकृति। क्या हो जाता है, प्रकाश की प्रकृति। अब देखिए किरण प्रकाशिकी में अपन सब परावर्तन अपरावर्तन क्या होता है सारा कुछ लेंस के बारे में, दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। और प्रकाश की प्रकृति में अपन क्या पढ़ते हैं कि प्रकाश किस रूप में गति कर रहा है, तरंग के रूप में गति कर रहा है या फिर कण के रूप में गति कर रहा है। तो इसके बारे में अपन प्रकाश की प्रकृति में पढ़ेंगे। तो देखिए प्रकाश की प्रकृति अलग चैप्टर, तो इसको अपन अलग से ही पढ़ेंगे। यहाँ पर अपन पढ़ेंगे अभी किरण प्रकाशिकी के बारे में। तो देखिए किरण प्रकाशिकी में क्या होगा उसको समझिए ध्यान से। यदि प्रकाश तरंग किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सरल रेखा में या सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है तो इस घटना को अपन क्या कह सकते हैं, प्रकाश किरण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्रकाश किरण कह सकते हैं, किरण प्रकाश भी कह सकते हैं। तो मैं इसको यहां पर लिख देता हूं प्रकाश किरण, प्रकाश किरण कहते हैं। समझे ना बात को ध्यान से। देखिए यहां पर अपन का प्रकाश तरंग क्या कर रहा है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु एक सरल रेखा के अनुदिश गमन कर रहा है। आप सिंपल समझिए, मैं एक बिंदु है आप दूसरा बिंदु है, तो आप में और मुझ में एक प्रकाश गमन कर रहा है, एक सरल रेखा में क्या कर रहा है, प्रकाश गमन कर रहा है। यानी कि सरल रेखा के अनुदिश प्रकाश, जो प्रकाश होगा वो तरंग के रूप में होगा, जिसके कारण से इसको अपन क्या कह सकते हैं, प्रकाशिक किरण कह सकते हैं। समझे ना बात को। तो यहाँ पर हो जाता है एक बिंदु और यहाँ पर हो जाता है दूसरा बिंदु। अब अपन समझते हैं ध्यान से प्रकाश का परावर्तन। क्या समझते हैं, प्रकाश का परावर्तन। हालांकि दसवीं पढ़ा होगा परावर्तन, इसको अपन कह सकते हैं इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का परावर्तन। देखिए परावर्तन और प्रकाश का, समझिए बात को ध्यान से। जब कोई प्रकाश क्या कर रहा है, गुजर रहा है ना, अपने माध्यम से गुजर रहा है, किसी माध्यम से गुजर रहा है, प्रकाश गुजर रहा है, वो बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन वो जिस तल पर गिरता है वो तल क्या करती है, उस प्रकाश को जितना आया था उतना ही क्या कर सकती है, वापस भेज सकती है उसी दिशा में। या फिर क्या होता है कि अगर वो तल क्या कर सकती है, उस प्रकाश का थोड़ा बहुत भाग अवशोषित कर लेती है, या फिर क्या कर सकती है कि वो तल अगर उस प्रकाश को दूसरे माध्यम में भेज देती है। तो देखिए अगर वो अवशोषित कर लेती दूसरे माध्यम में प्रकाश को भेज देती है, तो उससे अपन को लेना देना नहीं है, बस प्रकाश का कितना वापस गया, मतलब उस तल ने कितने प्रकाश को जहां से आया उसको वापस भेजा, मतलब वापस लौटा, तो उस घटना को अपन क्या कह सकते हैं, प्रकाश का परावर्तन कह सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन को समझिए, जब एक प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर एक परिसीमा पर आपतित होकर, परिसीमा का मतलब होता है दो माध्यम को अलग करने वाली सीमा, यानी कि ये माध्यम अलग है और वो माध्यम अलग है, दो माध्यम को अलग करने वाली सीमा परिसीमा पर आपतित होकर उसी दिशा में वापस लौट जाता है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, प्रकाश का परावर्तन कह सकते हैं। आप गौर कीजिएगा कि अगर आप क्या है, तल हैं, मैं तल हूँ यहाँ पर, तल
आपका प्रकाश जो आ रहा है ना, यहाँ पर मेरी जो लाइट लगी है उसका प्रकाश आ रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस प्रकाश को वापस भेज रहा हूँ उसी दिशा में, तो वो हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, उस प्रकाश को अवशोषित कर लेता हूँ और उस प्रकाश को अगर किसी दूसरे माध्यम में भेज देता हूँ, तो वो प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। अब देखिए, अवशोषित करेगा तो मुझे पसीना वगैरह आएगा ना, जैसे से पसीना वगैरह, तो वो हो जाएगा आपका प्रकाश का परावर्तन। समझे ना बात को ध्यान से? तो देखिए, इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो दोस्तों, इस प्रकार की डेफिनेशन थी, देखिए कि जब एक प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर किसी परिसीमा या फिर तल पर आपतित होकर उसी माध्यम में या फिर उसी दिशा में क्या करती है, वापस लौट जाती है, तो उसको अपन कह सकते हैं प्रकाश का परावर्तन कह सकते हैं। अब देखिए, वो परावर्तन कितना हो रहा है वो डिपेंड करता है तल पर, कि भाई साहब इसका तल कैसा है ना, तल कैसा है, या तो उबड़ खाबड़ तल नहीं है या फिर मतलब चिकना तल है, तो उसके आधार पर अपन देखते हैं उसके दो प्रकार होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अपन समझते हैं प्रकाश के परावर्तन किस तल के बारे में। तो देखिए, अगर अपन समतल पर क्या करते हैं, परावर्तन देखते हैं, अगर अपन समतल पर परावर्तन देखते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर एक समतल बना दी, तो गाइज ये क्या है, समतल पृष्ठ, ये हो जाएगा समतल पृष्ठ। हालांकि मेरा यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा बन गया, समतल पृष्ठ मान लीजिए आप। तो अब क्या होगा, यहाँ से अपन का प्रकाश आ रहा है ना, इस समतल पृष्ठ पर टकराया, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट गया। समझे ना, मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, उसी माध्यम में यहाँ पर लौटाएंगे तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे ना। तो देखिए, इस तल ने क्या किया, इस प्रकाश को आने वाले को अब क्या कर दिया, परावर्तित कर दिया, रिफ्लेक्टिव कर दिया। तो यहाँ पर समझिए ध्यान से, अगर इन दोनों को बीच में अगर अपन एक सीमा खींच देंगे, तो इस सीमा को अपन कह सकते हैं अभिलंब। क्या कह सकते हैं, अभिलंब। तो ये बीच वाला तो हो जाएगा अभिलंब एन, और आने वाले जो प्रकाश होता है उसको अपन कह सकते हैं आपतित प्रकाश। क्या कह सकते हैं इसको, आपतित प्रकाश, या आपतित किरण भी कह सकते हैं इसको, है ना। और जो जाने वाला होता है उसको अपन क्या कह सकते हैं, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण या फिर परावर्तित प्रकाश भी कह सकते हैं। ये बीच वाला अभिलंब है ना, तो ये बीच वाला हो जाएगा अभिलंब, अभिलंब। इसके बाद अब यहाँ पर समझिए, ये क्या है तल, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर अपन आपतित किरण और अभिलंब के मध्य अगर अपन कोण बनाते हैं या बन रहा है कुछ कोण, तो इस कोण को अपन कह सकते हैं आपतन कोण आई। क्या कह सकते हैं, आपतन कोण आई। और अगर परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है इधर, उसको अपन कह सकते हैं परावर्तन कोण या फिर आर कह सकते हैं। तो ये चित्र हो जाएगा समतल पर परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। समझी ना, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं समझाता हूँ। देखिए, जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो तल के आधार पर दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है नियमित यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है विसरित परावर्तन। समझे ना, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर समझिए ध्यान से कि तल के आधार पर इसको अपन कितने भागों में डिवाइड करते हैं, दो भागों में। किसके आधार पर, तल के आधार पर। एक तो हो जाएगा अपन का नियमित परावर्तन, नियमित है ना, रेगुलर आने वाला, तो ये हो जाएगा नियमित परावर्तन। और दूसरा हो जाएगा विसरित परावर्तन। देखिए, नियमित परावर्तन में क्या होता है, नियमित का मतलब रेगुलर आता है, जैसे अपन स्कूल रोज जाते हैं, ऐसा नहीं बात है ना, थोड़ा यहाँ पर समझने की बात है। देखिए, नियमित परावर्तन में क्या होगा कि जो प्रकाश का परावर्तन आ रहा है ना, आ रहा है, तो जैसे ये बोर्ड है उसकी जगह यानी कि चिकना जगह इसकी देखेंगे, तो इसकी चिकनी जगह पर वो प्रकाश क्या करता है, गिरता है, और गिरने के पश्चात वापस लौट जाता है। यानी कि सेम लॉजिक है,
कि अगर चिकने पृष्ठ पर प्रकाश गिरता है या फिर वापस चला जाता है तो अपन कह सकते हैं कि प्रकाश परावर्तन की घटना हो रही है। लेकिन अगर प्रकाश की परावर्तन की घटना चिकने पृष्ठ के बजाय अगर वो खुरदरे पृष्ठ पर होती है तो उसको अपन कह सकते हैं विसरित परावर्तन, लेकिन अगर चिकने पृष्ठ पर होती है तो वो हो जाता है नियमित परावर्तन। एक बात अच्छा एग्जाम्पल लेके समझिए, लड़की जो लोग होती है ना, लड़की लोग इनकी मतलब देह कैसी होती, चिकनी चिकनी, अपन की तो जैसे खुरदरी है ना, तो उनका पर अगर प्रकाश गिरता है, अच्छा सा मेकअप वेकअप किया गया है, तो अगर प्रकाश गिरेगा तो गिरने के पश्चात वो रिफ्लेक्ट कर देगा वापस, है ना, नियमित के लिए, तो वो क्या होगा, ज़्यादा भभकेगी है ना, चमकेगी, मतलब बोले तो ज़्यादा चमकी ना मेकअप करके। और अपन का जैसे शरीर होता है मेकअप वगैरह नहीं किया तो खुरदरा होता है, तो जब अपन के ऊपर प्रकाश गिरता है तो वो क्या करता है, प्रकाश बिखर जाता है, जिसके कारण से अपन इतने चमकीले नहीं दिखाई देते, है ना, ब्लैक ब्लैक दिखाई देते हैं। तो समझ ही आया। और अगर अपन नियमित की बात करते हैं तो इसको अपन यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि भाई साहब ये अपन का कोई कैसा प्रश्न है, चिकना प्रश्न है ना, मैं इसको ऐसा बना रहा हूँ, चिकना पृष्ठ है, तो ये हो जाएगा चिकना पृष्ठ। अगर चिकने पृष्ठ पर प्रकाश आ रहा है और वापस जा रहा है, मतलब प्रकाश के परावर्तन की घटना हो रही है इधर, है ना, तो उस क्रिया को अपन क्या कह सकते हैं, नियमित परावर्तन कह सकते हैं। ये प्रकाश आ रहा है, वापस जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर वापस जा रहा है, तो ये हो जाएगा नियमित परावर्तन। तो देखिए, अगर प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ पर आपतित होती है तो प्रकाश के परावर्तन की घटना होती है, तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, नियमित परावर्तन कह सकते हैं। डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल लॉजिक है, नियमित में अपन को याद रखना चिकना। अब आपने दर्पण तो देखा होगा, है ना, ऐसे करके बाल संवारते होंगे या फिर अपना जो थोबड़ा होता है वो देखते होंगे, तो जो मतलब दर्पण होता है वह एक चिकना पृष्ठ हो जाता है। तो अगर दर्पण के जो प्रकाश आ रहा है उसको अपन दर्पण को ऐसे रख के देखेंगे तो प्रकाश जो जा रहा है वापस परावर्तन होकर के, तो अपन दर्पण को देखेंगे जहाँ से किरण गुजरी, तो वो दर्पण होता अपन को ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है, लेकिन दूर रखते हैं अपन किसको, दर्पण को, और फिर क्या करते हैं अपन देखते हैं तो अपन इतना चमकीला नहीं दिखाई देता है, लेकिन अगर अपन उसको पास में देखेंगे ऐसे करके तो अपन को ज़्यादा चमकीला दिखाई देगा, वो नियमित परावर्तन होगा। अगर खुरदरे पृष्ठ पर अगर टकराता है प्रकाश तो इतना चमकीला नहीं दिखाई देता, नहीं के बराबर, तो वो हो जाएगा विसरित परावर्तन। तो देखिए, विसरित परावर्तन को अपन समझते हैं, इधर ये इसका पृष्ठ बना देते हैं अपन, कुछ अलग सा पृष्ठ है, देखिए यहाँ पर खुरदरा के लिए अपन ऐसा बना देते हैं समझने के लिए, ये अपन का कौन सा है, खुरदरा पृष्ठ है, ये कौन सा पृष्ठ है, खुरदरा पृष्ठ। जब प्रकाश आया, देखिए ये प्रकाश आया इधर खड्डे में गिरा, तो वो खड्डे में गिरा तो ये इस प्रकार से हो गया, या फिर प्रकाश इधर आया तो ये इधर गया, या फिर प्रकाश इधर आया तो वापस इधर गया, तो इसका कोई ठिकाना नहीं है, मतलब जो प्रकाश का परावर्तन हो रहा है वो फैल रहा है ना, जिस दिशा में आया उसी दिशा वापस नहीं जा रहा है, तो वो हो जाएगा विसरित परिवर्तन। तो यहाँ पर प्रकाश क्या कर रहा है, बिखर रहा है, तो मैं इसको लिख देता हूँ प्रकाश का बिखरना, तो उसको अपन कह सकते हैं विसरित परावर्तन। अब देखिए, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन अगर अपन वातावरण के अनुसार देखते हैं तो जो विसरित परावर्तन होता है वो ही ज़्यादातर होता है, जैसे कि अपन देखते हैं वायुमंडल में तो धूल के कण वगैरह होते हैं, तो उसका ना चिकना पृष्ठ थोड़ा होता है, खुरदरा पृष्ठ होता है, जब सूर्य का प्रकाश आता है तो उन कणों पर गिरता है, तो वो कण क्या कर देते हैं, प्रकाश को फैला देते हैं, जिसके कारण से अपन को जो आकाश होता है वो नीला दिखाई देता है। हालांकि उसको अपन आगे देखेंगे अंतरिक्ष मन वायुमंडल के बाहर देखेंगे अंतरिक्ष जाके, तो अपन को कैसा दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा, तो उसका कारण भी क्या हो जाएगा अपन का, परावर्तन, लेकिन विसरित परावर्तन, समझे ना, तो ज्यादातर कौन सा होता है, विसरित परावर्तन होता है। अब अपन लास्ट एंड फाइनल समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम।
देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम की अपन बात करते हैं तो मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ आपको समझाने के लिए। हालांकि मैं डायग्राम यहाँ पर बना देता हूँ, देखिए अपन ने जो आगे बनाया था वही बना देता हूँ डायग्राम। ये समतल पृष्ठ है अपन का या परावर्तित पृष्ठ जिसको अपन कह सकते हैं, और यहाँ से प्रकाश आ रहा है और यहाँ पर टकरा करके वापस उसी दिशा में जा रहा है। ये प्रकाश आ रहा है, ये जा रहा है ना, प्रकाश किरण भी कह सकते हैं, प्रकाश भी कह सकते हैं। ये हो जाएगा अपन का अभिलंब, सॉरी इसको मैं ऐसा ही खींच देता हूँ, अभिलंब ऐसा है ना, ये हो जाएगा अभिलंब जिसको अपन एन कहते हैं। ये हो जाता है आपतित किरण, ये हो जाता है परावर्तित किरण, और अभिलंब और आपतित किरण के मध्य यहाँ पर जो कोण बनता है आई, इसको अपन कह सकते हैं आपतन कोण। इसको मैं लिखना पड़ेगा आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है इसको अपन कह सकते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण ना, ऐसे लिख रहा हूँ तो समझ जाना ये क्या लिखा है। और ये जो अपन का पृष्ठ होता है इसको अपन कह सकते हैं परावर्तित पृष्ठ, परावर्तित यानी कि प्रकाश को परावर्तित करता है ना, इसलिए इसको अपन नाम देते हैं प्रकाश परावर्तित पृष्ठ। अब देखिए ये मैंने क्यों लिखा है, इसको समझे ध्यान से। तो जो प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं वो इस समतल में अपन ने जो प्रकाश का परावर्तन करवाया था उसके आधार पर दो इसके अपन देखेंगे नियम। तो देखिए पहला नियम क्या कहता है कि भाई साहब समझिए ध्यान से, पहला नियम क्या कहता है कि जो आपतित किरण और परावर्तित किरण प्लस अभिलंब, समझिए इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, स्टार बना देता हूँ, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, वो तीनों होते वो एक ही तल में होते हैं, मतलब यहाँ पर जाके वो मिल रहे हैं, समझे ना बात को। आप समझिए ध्यान से, अगर कोई टॉर्च इधर से मार रहा है ना, तो नीचे रखा हुआ आप उनका दर्पण, दर्पण से टकरा करके वापस उधर दिशा में जा रहा है। तो देखिए उस दर्पण का मतलब बिंदु देखेंगे आने वाले प्रकाश का और जाने वाले का, और अपन बीच में ऐसे मान लीजिए अभिलंब खींचा है, तो तीनों अगर देखेंगे तो एक ही तल में होंगे, मतलब एक ही बिंदु में होंगे। तो इसका पहला नियम यही कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं, क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, है ना। दूसरा नियम क्या कहता है इसको समझिए ध्यान से, दूसरा नियम ये कहता है कि भाई साहब जो आपतन कोण बनेगा यहाँ का उतना परावर्तन कोण बनेगा, मतलब आपतन कोण होता है वो सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, समझे ना बात को। मतलब जितना अपन देखेंगे प्रकाश आ रहा है और बीच में अभिलंब को खड़ा कर दिया है तो इधर साइड जो कोण बन रहा है उतना का उतना उधर साइड कोण बनेगा, अगर नहीं बना तो फिर गड़बड़ है। अगर नहीं बन रहा है ना तो वो हो जाएगा अपरवर्तन में अपन चीज देखेंगे ना। तो यहाँ पर समझिए इसका आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि अपन कह सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर, ये अपन का हो जाएगा सेकंड नियम, समझे ना। देखिए इसका नियम हो जाएगा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, आपतन कोण सदैव होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। या आपको याद रखना है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो सकता है या फिर परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर हो सकता है, दोनों बात एक ही है। तो ये हो जाएंगे इसके नियम और ये हो जाएंगे इसके प्रकार, और आगे मैंने बता दिया प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। सो आई होप को ये सारा समझ में आ गया होगा, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। सो गाइस आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।